Don't use mobile phone while driving. Don't drink and drive. Ensure pedestrian safety. Wear a mask. Be the better guy. भारत और चीनी सेनाओं के बीच हाल ही में पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बनी थी और अब भारत को लेकर चीन का रुख बदल गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि चीन और भारत दोनों को एक दूसरे को गिराना बंद कर देना चाहिए। भारत और चीन दोनों को एक दूसरे के प्रति शक के भाव को कम करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच के सीमा विवादों का हल निकाला जा सके। चीन के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच के सीमा विवादों को ही चीन भारत के रिश्ते की पूरी कहानी कहने से इनकार करते हुए कहा कि दोनों ही देश दोस्त रहे हैं, लेकिन दोनों को ही आपसी शक को खत्म करना चाहिए। भारत चीन रिश्ते पर अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों का उत्तर देते हुए और किस प्रकार लद्दाख में पिछले एक साल पुराना मसला सुलझाया गया इसके बारे में बताते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि दोनों देशों द्वारा विवादों को सुलझाया जाना चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना बेहद महत्वपूर्ण है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि सीमा विवाद ऐसी चीज है जो इतिहास से छूट गई, लेकिन यह भारत और चीनी रिश्ते की पूरी कहानी नहीं है। वांग यी का ये बयान उस वक्त आया जब कमांडर लेवल की मीटिंग होने के बाद दोनों ही देश पूर्वी लद्दाख से अपने सैनिक हटाने के लिए राजी हो गए थे। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 के पहले की यथास्थिति पर लौटने की प्रक्रिया को दोनों देशों के रिश्तों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। दोनों देश आपस में सहमत हुए हैं कि इस प्रकार बाकी सीमा विवादों को भी सुलझा लिया जाएगा। तो वहीं हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की फ़ोन पर लगभग 75 मिनट बातचीत हुई थी और इसके बाद चीनी विदेश मंत्री का ये बयान आया है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री चीन के उप विदेश मंत्री लुओ से मिले थे और उन्होंने पूर्वी लद्दाख पर सैनिक हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए चीन से कहा था। भारतीय राजदूत ने कहा कि इससे सीमा पर शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी, दोनों ही देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। भारत और चीन के बीच अप्रैल 2020 के बाद से ही लद्दाख सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। दोनों देशों की ओर से हजारों की संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई थी। जून 2020 में गलवान घाटी में भिड़ंत भी हुई थी। करीब एक साल तक तनाव की स्थिति के बाद बीते दिन ही दोनों देशों ने आपस में समझौता किया है। पेंगोंग सो से लेकर डिसएंगेजमेंट के बाद अब भारत और चीन के बीच अन्य इलाकों से डिसएंगेजमेंट पर बातचीत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।